समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जॉली। आइए नजर डालते हैं झांसी की खास खबरों। पाल बघेल समाज में जन्मी लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की 297वीं जयंती समारोह का आयोजन अखिल भारतीय पाल बघेल नगर महासभा द्वारा 25 जून को झांसी के मुक्ताकाशी मंच पर सुबह 10 बजे से किया जा रहा है। अखिल भारतीय पाल बघेल धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक राकेश पाल ने पत्रकारों से वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार स्वतंत्र देव सिंह शामिल होंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय गायिका संजू बघेल द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया जाएगा। झांसी से समाचार बुंदेलखंड के लिए मनीषा ली की रिपोर्ट। 25 तारीख का कार्यक्रम है। 25 तारीख को माँ देवी अहिल्याबाई होलकर जयंती का आयोजन किया जा रहा है और वो बुंदेलखंड स्तरीय कार्यक्रम किया जा रहा है। बड़े धूमधाम से इस जयंती को मनाया जा रहा है। ये 297वीं जयंती है। 297वीं जयंती ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसलिए आप सब लोगों के आज ये बात आप लोगों के बीच में रखनी थी कि देवी अहिल्याबाई होलकर जो मेवाड़ से लेकर के मराठा से लेकर के जिन्होंने लगातार मल्लाराव होलकर, यशवंतराव होलकर, खंडेराव होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर 90 वर्ष तक लगातार इन्होंने शासन किया है, उसमें जो अपने कार्यकाल में जो उनके कार्य रहे हैं उसमें खास तौर से जो ब्रिटिश शासन ने, अंग्रेजों ने और मुग़ल शासकों ने जिन मंदिरों को तबाह कर दिया था, औरंगजेब ने बनारस काशी विश्वनाथ का मंदिर तबाह कर दिया था, ऐसे उन मंदिरों का जो निर्माण कराया और इस बार बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति जो काशी मंदिर कॉरिडोर में का जो उसमें अनावरण किया है और उन्होंने कहा है देश के सामने कि अगर माँ अहिल्या देवी अहिल्याबाई ना होती तो ये काशी का स्वरूप ना होता। तो पूरे देश में, पूरे मीडिया के सामने, पूरे देश के सामने जिस तरह से इस पाल बघेल धनगर समाज का मान सम्मान और हमारे पूर्वज का, हमारे वंशज का जो मान सम्मान बढ़ाया है उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, देश के मुख्यमंत्री जी को और उनको बधाई देना चाहेंगे। और